जैन समाज के लोगों ने क्रांति सेना के प्रमुख के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है। जैन मुनियों के खिलाफ किए गए अभद्र टिप्पणी से आहत समाज के लोगों ने अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भिलाई 3 में ज्ञापन सौंपा है। बालोद में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने जैन समाज के संतों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसे लेकर भिलाई 3 में भी जैन समाज व अन्य समाज वालों ने मिलकर अमित बघेल के खिलाफ कलेक्टर के नाम तहसीलदार व थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग कर डाली है। वहीं समाज के लोगों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा बालोद के कार्यक्रम में अपने भाषण में जैन संतों को लेकर अमर्यादित बयान दिया गया तथा अपने भाषण में ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी ये परदेसिया मन के घलोक जीव बलि देल पढ़ी, जीव के सेवा देल पढ़ी। इस तरह का विवादित बयान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति व सामाजिक सद्भावना के लिए पहचाना जाता है, जहाँ सभी जाति धर्म समाज के लोग रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान किया करते हैं। वहाँ पर कुछ तथाकथित लोग जातिवाद क्षेत्रवाद का उन्माद फैलाकर छत्तीसगढ़ की शांति भंग कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों से 25 तारीख एक वीडियो वायरल हो रहा है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का, जिनके अध्यक्ष अमित बघेल, उन्होंने मारवाड़ी समाज पर लांछन लगाते हुए हमारे धर्म गुरुओं का अभद्र भाषा में अपमान किया है। इस तरह के हमारे गुरुओं के, हमारे आराध्य देवों के प्रति जो उनके असभ्यता है, उसको मारवाड़ी समाज, जैन समाज कभी भी सहन नहीं करेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परदेसिया हैं, तो परदेसिया का मतलब हम जन्मजात यहाँ हैं, हम आज 50-50 सालों से यहाँ हैं, 100 साल, आज 100 साल, 2000-2500 साल पुरानी हमारे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ में भूमि से प्रकट हो रही हैं। अर्थात जैन धर्म का इतिहास छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना है, ये उन्हें मानना होगा। इसके लिए प्रशासन और शासन सभी जानते हैं कि जैन समाज बहुत पुराना समाज है। आज छत्तीसगढ़ के विकास में जो ये परदेसिया कहकर माहेश्वरी, जैन, ब्राह्मण, सिंधी, पंजाबियों को जो संबोधित करते हैं, आज छत्तीसगढ़ के विकास में इन समाजों का बहुत बड़ा योगदान है। और हम यदि कहीं विकास की ओर बढ़ते हैं तो उनका सहयोग तो हमें मिलता ही है, किंतु इन समाजों के, जिनको ये परदेसिया या बाहरी कहकर संबोधित करते हैं, उनका ही सर्वस्व योगदान है और बहुत बड़ा योगदान है। आज ये जी छत्तीसगढ़ इस ऊंचाई पर पहुंचा है, इस मुकाम पर पहुंचा है, तो ये व्यापारी समाज का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ी प्रेरणा है और बहुत बड़ी मेहनत है, उसके साथ ही हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ न जाने कहाँ होता और किस तरह अविकसित होता इस टाइप की। बहरहाल इस अवसर पर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे और अपनी आवाज़ बुलंद करते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।